यूपी के औरैया जनपद में सदर कोतवाली क्षेत्र के पुरानी नुमाइश मैदान में बसपा का मंडल स्तरीय सम्मेलन और विशाल जनसभा में पहुंचे बसपा के राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा सांसद सतीश मिश्रा का मंच पर उपस्थित मंडल स्तर के नेताओं ने माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान किया। मंच पर मौजूद जिलाध्यक्षों समेत घोषित हो चुके प्रभारी प्रत्याशियों ने भी माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान किया। वहीं नुमाइश मैदान में मंडल सम्मेलन में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए बसपा राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा ने बसपा पार्टी की नीति समेत बसपा सुप्रीमो पूर्व यूपी सीएम मायावती के कार्यकाल का प्रशंसा की। इसके साथ ही साथ यह भी कहा कि भाजपा और सपा सरकार ने सिर्फ जनता को छला है। देखिए, ये मंडली कार्यक्रम हमारा पूरे प्रदेश में चल रहा है, ये सातवां आज है और इसके बाद हमारा 31 तारीख तक लगातार रोज ये मंडली कार्यक्रम है, जहां पर खास तौर से जो रिजर्व सीटें हमारी हैं उनके लिए हम कार्यक्रम कर रहे हैं और उन्हीं सीटों में जाकर के करने का काम कर रहे हैं। और हमारी 86 सीटें जो हैं इनमें हमारी हम इसमें मजबूती देने के लिए और इन 86 की 86 सीटों को जितवा करके बहन मायती जी की झोली में डलवाने के लिए हम लोग इसमें कार्यक्रम कर रहे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश अभी तक कितनी सीटों पर प्रत्याशी खड़े कर? देखिए, उत्तर प्रदेश में हम लोग 403 में से 403 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग किसी से गठबंधन नहीं कर रहे हैं। गठबंधन वो करते हैं जो कमजोर होते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो वो गठबंधन कर रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो गठबंधन कर रहे हैं, क्योंकि उनको कमजोरी लग रही है इसलिए उनको बैसाखी की जरूरत है। हम लोगों को कोई बैसाखी की जरूरत नहीं है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMTNewsFlash।